हाय दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि टिकटॉक की वीडियो कैसे बनाए, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कैन मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। कैन मास्टर को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप कैन मास्टर देख सकते हो, उसके बाद ओपन किया। ओपन करने के बाद इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मीडिया में जाना है, वहाँ से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी साइज जितना हो सके तो आप ले सकते हो। उसके बाद में आपको सिंपली मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप एक टिकटॉक से वीडियो जो लोड करोगे उस वीडियो को यहाँ पर लाना है सिंपली। तो उस वीडियो को यहाँ पे लाना है। उसके बाद में इसको जो है आप अपने हिसाब से साइज मिला लेना है। तो मैं इसका दो साइज बनाने वाला हूँ, एक डुप्लीकेट एक। तो यहाँ से मैं दो बनाऊँगा। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ कि दो कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद डुप्लीकेट बना लिया मैंने। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसके साइज जो है पूरी मिला लेना है। और इसको जो हमारा बड़ा पड़ रहा है, तो यहाँ पे जाने के बाद इसका कट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको जितनी साइज चाहिए उस हिसाब से उसको कट करना है। तो मेरे को दो लगाना है, तो दो के हिसाब से मैं कट कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसी हिसाब से आपको कट कर लेना है। उसके बाद में इसका साइज जो है बढ़ा लेना है। फिर इसका भी ऐसे ही करना है, आपको पूरा कट कर लेना है और साइज एकदम मिला लेना है जितना आपको साइज चाहिए। तो मेरे को दो बनाना है, तो उस हिसाब से अपना साइज हम मिला लेते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको साइज पहले मिला लेना है। साइज मिलाने के बाद आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि कोई समझ ना पाए। तो फिर उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है लेयर में। तो आपको सिंपली लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मैं एक ग्रीन बैकग्राउंड वीडियो लोड किया हूँ, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रीन वीडियो। और उसकी लिंक मैं ग्रीन वीडियो की और इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक में लेयर में गया, फिर मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं अपना ग्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो मैंने अपना ग्रीन वीडियो सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। ग्रीन वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो मैं जैसे सेट कर रहा हूँ, इस हिसाब से आपको सेट कर लेना है दोस्तों। तो हमारा ग्रीन वाला है जो पूरा वो हट जाएगा, हमारा जो वीडियो का ब्लैक वाला है वो हैंड हाथ वाला वो हमारा खाली बचेगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से पूरी सेटिंग कर ली है दोस्तों। उसके बाद आपको सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली एक बार इसको चालू करके देख लेना है कैसा चल रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको जो ग्रीन वाली लेयर का ऑप्शन है उसको थोड़ा साइज बड़ा करना है, उस वाले साइज को थोड़ा आपको बड़ा करना है ग्रीन वाली वीडियो का। तो मैं जैसे कर रहा हूँ इस हिसाब से आपको भी करना है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इस हिसाब से आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप देख सकते हो अभी हमारा जो हैंड हाथ है वो थोड़ा ऊपर हो गया है, तो हमारा थोड़ा फीचर थोड़ा अच्छा लगने लगा है। इसी हिसाब से आपको सेटिंग कर लेना है दोस्तों। सेटिंग करने के बाद उसके बाद आपके सामने आप एक बार चालू करके देख लो कि नहीं चला है कि नहीं। तो उसके बाद आपको म्यूजिक लगाना है। म्यूजिक को लगाना है, यहाँ से आपको कोई भी म्यूजिक चॉइस कर लेना है। म्यूजिक मैंने चॉइस कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया। तो वहाँ से ओके करना है। फिर आपको वीडियो सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। अभी हमारी वीडियो